हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लिखे सुत्ता और आपका स्वागत है बुक स्टॉक चैनल में। आज हम बात करने वाले एक ऐसे बुक के बारे में, मतलब कि इतनी अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसके मतलब अगर रिव्यू देने की बात है तो आप रिव्यू दिए बिना आप रुक नहीं पाएंगे। हाँ फ्रेंड्स, ये सत्य व्यास की मतलब फिफ्थ बुक और अभी तक आई नहीं उसके बाद कोई बुक, और तो ये लास्ट बुक है सत्य व्यास की। हो सकता है आने वाले साल में आ जाए, क्योंकि एक साल से ज्यादा हो गया और अभी तक उनकी बुक आई नहीं है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सत्य व्यास के मतलब लास्ट राइटिंग उफ कोलकाता के बारे में। हाँ दोस्तों, ये बुक जो है उफ कोलकाता, देख रहे होंगे आप, ये इतनी अच्छी बुक है, मतलब कि उनकी सारी बुक तो अच्छी होती है, पर मैं लास्टली ये बुक पढ़ा था क्योंकि उनकी लास्ट राइटिंग यही है और आखिरी बार मतलब जो कहते हैं कि जो अंतिम होता है ना, कि अंतिम बुक इसी यही लिखी है और इसके बाद अभी तक उन्होंने लिखी नहीं है। ये बेस्ट सेलर रह चुकी है अभी तक की, और अभी भी ये बुक बहुत बिक ही रही है। आप लोगों को पता होगा सत्य व्यास एक ऐसे राइटर है जो कि युवाओं के बारे में ज्यादातर लिखते हैं, युवा पीढ़ी के बारे में, और युवा जो सोचते हैं, जो करते हैं, आजकल का जो यूथ, आजकल का जो जनरेशन जो सोचता है, करता है, वो इस बुक में आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं जैसे आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो, कोई एक्शन मूवी, क्राइम, इनके बुक में वो हर चीज रहता है। और ये जो बुक है, ये लास्ट बुक उनकी हॉरर के ऊपर बेस्ड है, मतलब हॉरर कहानी, कहाँ भूतिया कहानी आप कह सकते हैं। हालांकि ये बुक जो है, मैं जब पढ़ रहा था, ये बुक ज्यादा पेज की भी नहीं है, ये बुक लगभग 208 पेज की है, 208 पेज। पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि जब मैं इसका 2-3 पेज पढ़ा तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इनकी बुक जो होती ना, इसमें कोई शुरू से बोरिंग नहीं रहती कि ये शुरू में आएगी बोरिंग या फिर बीच में बोरिंग आएगी। इनकी जो बुक रहती है, शुरू से ही इंटरेस्टिंग रहती है। इनकी बुक अगर आप पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। जैसे कोई मूवी देख रहे हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, या फिर कोई बुक देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें शुरू में या फिर बीच में कुछ ऐसा आ जाता है, लगता है कि ये क्या बोरिंग बीच में डाल दिया। पर जब आप इनकी बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कब इस बुक को पूरा खत्म करूं। जब मैं पढ़ रहा था तो जैसे रात को मैं पढ़ के सोता था, लगभग 10 से 15 पेज रात को मैं पढ़ के सोता इसको, और सुबह उठने के साथ ही मैं बाथरूम मुंह वगैरह कुछ नहीं धोता और मैं ये बुक निकालता और 10 से 15 पेज पढ़ने के बाद मैं कहीं बाहर जाता, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये बुक मतलब यार कुछ तो है इस बुक में। और जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मैं यही सोचता था कि कहाँ से आप सोच लेते हो, मेरे दिमाग में ये आता था कि सर आप कहाँ से इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स, इतने अच्छे अच्छे लाइंस सोच लेते हो, जो कि एकदम से पढ़ने के बाद ना इतना अच्छा लगता है ना, आप कहोगे कि कहाँ से एकदम कहाँ से निकलते हो, इन्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए, हर एक पेज पे अवार्ड मिलना चाहिए। तो इनकी ये लास्ट राइटिंग है और हो सकता आने वाले ईयर में, क्योंकि शायद एक साल से इनकी बुक एक भी आई नहीं है और सबको इनके बुक का इंतजार है, क्योंकि इनकी इनकी जितनी बुक निकली वो सारी बुक बेस्ट सेलर रही है। और पिछले वीडियो में मैंने रिव्यू किया था 84 बुक के बारे में, जिसके ऊपर की वेब सीरीज बन चुकी है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मतलब बन गई है और वहां पे लाइव है, तो आप लोग वहां पे भी जाके देख सकते हो। और वेब सीरीज का नाम है ग्रहण, फिलहाल मैंने देखा नहीं है, मुझे मैंने बुक पढ़ लिया, मुझे लगा इसी के ऊपर कहानी है, और एक भैया को मैंने बताया था तो उन्होंने देखा, तो वो कहे कि इनकी आधी स्टोरी रियल चल रही है और उनके ऊपर कुछ आगे बनाया गया, तो हो सकता है कुछ चेंजेस वगैरह किए होंगे, मैं देखा नहीं, पर इनकी कहानी बहुत अच्छी है। और ये उफ कोलकाता मुझे इतनी अच्छी लगी मैं सोचा कि ये लास्ट बुक को मैं पहले रिव्यू कर देता हूँ। हालांकि मैंने 84 की थी रिव्यू, पर आज मैं इसकी रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही अच्छी बुक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये बुक की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से जरूर खरीदना। और मैं इसकी समरी भी लाऊंगा ऑडियो बुक, तो आप लोग समरी तो देख लेना, पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर समरी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, देख सकते हो, पर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बुक जरूर पढ़ो आप लोग। अगर ये बुक पढ़ोगे ना, आपको इतनी मतलब इंटरेस्ट, मजा आएगा पढ़ने में, आपको लगेगा ना कि क्या बोरिंग है ये, आपको बुक पढ़ने का चस्का लग जाएगा, आदत जिसे कहते हैं, आप कहोगे यार मुझे बुक पढ़ना है, मतलब इनकी बुक, किसी की पढ़ो ना पढ़ो, पर इनका बुक, सत्य व्यास जी के बुक का आपको हमेशा से वेट रहेगा, इंतजार रहेगा कि मैं इनकी बुक कब आएगी और मैं पढ़ूंगा। तो इनकी पब्लिकेशन भी हिंदी युग में है, हिंदी युग जो कि हिंदी को प्रमोट करती, ज्यादा हिंदी लैंग्वेज को, हिंदी को ज्यादा बढ़ावा देती है, तो ये हिंदी में ये लिखते हैं। और इनकी बुक, कुछ कुछ बुक इंग्लिश में भी ट्रांसलेट हो चुकी है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी एक दो बुक है, आप लोग उसे जाके पढ़ सकते हैं। और मैं उनकी एक बुक की लिंक, मतलब इस बुक की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग वहां से जाके खरीद सके।
तो मैं इसके बारे में जितना कहूँ उतना कम ही है, क्योंकि ये तो हर पेज इतने इस बुक का हर पेज अवार्ड के लायक है, कोई भी अवार्ड हो पर अवार्ड के लायक है। सो फ्रेंड्स, तो कैसे लगा आप लोगों को रिपब्लिक कमेंट में जरूर बताना, और ये बुक जरूर से जरूर पढ़ना। चाहे मेरी कोई भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे, आप लोग पढ़ो ना पढ़ो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बुक आप लोग जरूर पढ़ो, क्योंकि ये बुक मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी और हो सकता है कि आपको भी बहुत ज्यादा ही अच्छी लगेगी, क्योंकि ये हम लोगों के लिए, आज के यूथ के लिए, आजकल के यूथ जो सोचते करते हैं उनके लिए। सो फ्रेंड्स, मिलता हूँ अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।